हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी डॉक्टर डॉक्टर रक्षा शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर रोज आपके सामने आने वाली हूँ 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, क्योंकि हम सभी डॉक्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक। आज सेकेंड डे है इस वीक का। आज के दिन मैं आपको बताने वाली हूँ महिलाओं को क्या फायदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। मैं आपको 12 से भी ज्यादा फायदे इसके बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो न्यूली मदर होती है उसको ये पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कम कराने में मदद करता है। प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है, अगर आप बच्चे को दूध पिलाओगे तो आपकी बच्चेदानी जल्दी सिकुड़ेगी, जल्दी अपनी पोजीशन पर आएगी और उसकी जो ब्लीडिंग है वो भी कम हो जाएगी। इससे माँ को अनीमिया कम होगा, जो वीकनेस है वो कम होगी और मदर की रिकवरी फास्ट होगी। इसके साथ ही माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है और ओवेरियन कैंसर का खतरा भी काफी कम हो जाता है। ये एक तरीके से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है और आपको फैमिली प्लानिंग में हेल्प करता है, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं बच्चे को तो आपके अंडे बनने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है और कई बार अंडा ढंग से बनता भी नहीं है। इसके साथ ही आप जब बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है मदर और बेबी के बीच में। इससे मदर ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा रिलैक्स रहती है। माँ अगर इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग रहेगी तो घर परिवार के लोग भी ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि माँ ही घर की नींव होती है। इसमें आपकी एनर्जी और टाइम बचता है, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क की तरह इसे आपको बार बार गर्म नहीं करना, बर्तन नहीं धोने, प्रिपेयर नहीं करना, आपको चिंता नहीं करने कि हमारे डब्बे वाला मिल्क या गाय का मिल्क खत्म हो गया है, कहां से आएगा, क्योंकि ये मिल्क आपके पास हर समय रेडीली अवेलेबल होता है एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे। और इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो भी बेबी के अनुसार बेस्ट कंटेंट्स होते हैं, जो आपको किसी भी फॉर्मूला मिल्क में नहीं मिल सकते। इससे माँ को होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस और ओल्ड एज में हिप फ्रैक्चर का खतरा भी काफी कम हो जाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। अपने आसपास वालों को भी समझाना चाहिए, अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को भी बताने चाहिए कि इससे आपको कितने सारे फायदे हैं। एक गलत भ्रांति है कि इससे माँ का फिगर खराब हो जाता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप बच्चे को स्तनपान कराते हैं तो माँ का फिगर जल्दी शेप में आता है, क्योंकि माँ का फैट जल्दी जल्दी हटता है और बॉडी का वेट लॉस फास्ट होता है। बस एक चीज रहती है जो उन्हें थोड़ा सा डर लगता है, वो है ब्रेस्ट की साइज। फीडिंग के दौरान आपके ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर मिल्क भरा हुआ होता है और ज्यादा फैट सेल्स होती हैं। लेकिन जब आप बेबी की फीडिंग छोड़ते हैं, मिल्क अपने आप कम हो जाता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है और बॉडी का फैट भी ओवरऑल बॉडी में से जैसे जैसे कम होता जाता है, ब्रेस्ट से भी कम हो जाता है। फिर आप उसकी अच्छी शेप के लिए रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और कोलेजन टैबलेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे को होने वाले फायदे मैं आपको कल समझाऊंगी।